हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स हेल्प। मैं दीपांशु और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ BEVE 181 जेंडर विश्लेषण इग्नू सॉल्ड असाइनमेंट्स है 2022 से 23 तक के बच्चों के लिए। और अपने यहाँ पर सॉल्ड असाइनमेंट्स की हैंड रिटन हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप हमसे ये हैंड रिटन हार्ड कॉपी परचेस करना चाहते हो तो इसके लिए स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप एंड कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हमसे इजीली सॉल्ड असाइनमेंट्स के हैंड रिटन हार्ड कॉपी परचेस कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने सॉल्ड असाइनमेंट की तरफ। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा असाइनमेंट BEVE 181। ये है हमारा टाइटल कोड और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये है हमारा टाइटल नेम। सैंडिस सॉल्ड असाइनमेंट्स है 2022 से 23 तक के बच्चों के लिए। तो देख लेते हैं अपने असाइनमेंट के डिस्क्लेमर एंड स्पेशल नोट। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर। तो देखते हैं अपने असाइनमेंट का नेम। असाइनमेंट नेम है हमारा इन्वायरमेंट स्टडीज है हमारा टाइटल नेम। और कोर्स कोड है हमारा BEVE 181। ये हमारा कोर्स कोड। देखते हैं अपने असाइनमेंट का सेशन है 2022 से 23 तक का। बात करते हैं अपने असाइनमेंट के सबमिशन डेट की। अगर दोस्तों आपने अपना एडमिशन जुलाई 2022 में करवाया तो आपके असाइनमेंट की सबमिशन डेट होने वाली है 31 मार्च 2023 की। और आप अपना एडमिशन का रजिस्ट्रेशन जनवरी 2023 में करवा रहे हो तो आपके असाइनमेंट की सबमिशन डेट होगी 31 अक्टूबर। देखते हैं अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमारा असाइनमेंट दो पार्ट में बांटा हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी, जिनके क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाने वाला हूँ। देखते हैं अपने असाइनमेंट का पार्ट ए, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। है हमारा वाई इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट टू एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये इसका आंसर। देखते हैं अपने असाइनमेंट का पॉइंट फर्स्ट, दे हेल्प अस ब्रीथ। सेकंड है इसका, दे आर होम टू नियरली हाफ ऑल स्पाइसेस। थर्ड है इसका, इंक्लूडिंग मिलियंस ऑफ ह्यूमंस। फोर्थ है इसका, द कीप अ स्कूल। फिफ्थ, द कीप अर्थ कूल। सिक्स्थ है इसका, दे मेक इट रेन। सेवन्थ है इसका, दे प्रिवेंट फ्लूडिंग। देखते हैं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर टू। ए है इसका, एक्सप्लेन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स फॉर इंक्लूजन एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, उसका पॉइंट है। और ये इसका आंसर। देखते हैं अपने असाइनमेंट का पॉइंट बी, व्हाई हाइड्रो पावर इज रिगार्डेड एज द बेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन इट इन डिटेल, क्वेश्चन बी। और ये इसका आंसर। देखते हैं अपने असाइनमेंट का नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर। और ये इसका आंसर। देखते हैं अपने असाइनमेंट का पॉइंट सी, द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमास हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे इन अवर सराउंडिंग्स अमंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन इट विद सूटेबल एग्जांपल, क्वेश्चन पॉइंट सी। और ये इसका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, थर्मल कन्वर्जन। और ये इसका आंसर। डायरेक्ट फायरिंग एंड सीओ फायरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पायरोलिसिस। देखते हैं अपने असाइनमेंट का नेक्स्ट पॉइंट, गैसिफिकेशंस। पॉइंट डी है इसका, हाउ डज एयर पॉल्यूशन अफेक्ट द एटमोस्फेरिक प्रोसेस, पॉइंट डी। और ये इसका आंसर।
नेक्स्ट पॉइंट है इसका कैरेक्टराइजिंग और ये इसका आंसर। देखते हैं इसका पॉइंट ई, व्हाट इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, व्हाई सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज नीडेड, पॉइंट ई और ये इसका आंसर। देखते हैं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड और ये इसका आंसर। देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट बायोटिक मीनिंग, सेकंड है इसका बायोटिक फैक्टर, नेक्स्ट है इसका अबायोटिक मीनिंग और फिर उसके बाद अबायोटिक फैक्टर। अब देखते हैं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एज ह्यूमंस सिविलाइजेशंस प्रोग्रेस्ड मैन स्टार्टेड अल्टरिंग द एनवायरनमेंट इन द प्योर शूट ऑफ क्रिएटिंग एन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट ऑन हिज ओन चॉइस, दिस स्लोली रिजल्टेड इन द डेप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन इट इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल रेगुलेशंस ऑफ वाटर एक्ट्स, क्वेश्चन नंबर फोर और ये इसका आंसर। हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस अडैप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, द न्यूलिथिक एरा नेक्स्ट पॉइंट है इसका ह्यूमन अडेप्शंस अल्टरिंग द एनवायरनमेंट, अब देखते हैं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बायोस्फीयर रिवर्जिस रिजर्व्स आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एरियाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट एंड डिमोनस्ट्रेट अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द बायोस्फीयर, एलाबोरेट दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ नेचर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और ये इसका आंसर। तो यहाँ होता है हमारे असाइनमेंट का पार्ट ए कंप्लीट, अब देखते हैं अपने असाइनमेंट का पार्ट बी और क्वेश्चन नंबर सिक्स था इसका ए सिट बैंक, ये इसका आंसर। पॉइंट बी है इसका इनक्रीशंस, देखते हैं इसका पॉइंट सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और ये इसका आंसर। पॉइंट डी है इसका पब्लिक हेल्थ, अब देखते हैं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर सेवन्थ और पॉइंट है इसका व्हाट इज लैंटिक एंडोलॉटिक इकोसिस्टम, एक्सप्लेन दिस टू विथ सूटेबल एग्जांपल, पॉइंट ए और ये इसका आंसर। इसके पॉइंट्स अब देखते हैं इसका पॉइंट बी व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशंस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सक्सेशन विथ सूटेबल डायग्राम, पॉइंट बी और ये इसका आंसर। देखते हैं इसका पॉइंट सी एक्सप्लेन द बायोकेंटिज्म एंड इकोकेंटिज्म इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमंस एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर, पॉइंट सी और ये इसका आंसर।
अब देखते हैं अपने असाइनमेंट का इसका पॉइंट डी, डिफाइन नेचुरल कैलामाइट्स एंड इट्स टाइप्स विद सूटेबल एग्जांपल पॉइंट डी, और ये इसका आंसर। देखते हैं इसका पॉइंट नेचुरल डाइजेस्टर डेफिनेशंस, और ये इसके पॉइंट्स जियोलॉजिकल डाइजेस्टर्स, हाइड्रोलॉजिकल डाइजेस्टर, मेट्रोलॉजिकल डाइजेस्टर, स्पेस डाइजेस्टर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ ओजोन डेप्लेशंस, हाउ टू अल्ट्रावायलेट रेज अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर एंड एयर क्वालिटी, क्वेश्चन नंबर 8, और ये इसका आंसर। ये इसके पॉइंट्स, कॉजेस ऑफ ओजोन लेयर डेप्लेशंस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स एंड नेचुरल कॉजेस। अब देखते हैं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9, एजुकेशन फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज एसेंशियल फॉर द यंगर जनरेशन एज वेल एज फॉर द ओल्डर जनरेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स, क्वेश्चन नंबर 9, और ये इसका आंसर। ये इसके पॉइंट्स, तो यहाँ होता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9। तब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ, वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेजर्स टू कॉम्बैट ड्रॉथ, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, और ये इसका आंसर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिड्यूस्ड वाटर बिल्स, और ये इसका आंसर। इकोलॉजिकल बेनिफिट तो इसी क्वेश्चन के साथ होती है हमारी सॉल्व असाइनमेंट की वीडियो कंप्लीट। अगर दोस्तों आपको हमारे सॉल्व असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे सॉल्व असाइनमेंट की सॉफ्ट कॉपी परचेज कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, और अपने यहाँ पर सॉल्व असाइनमेंट की हैंड रिटन हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप हमसे ये हैंड रिटन हार्ड कॉपी परचेज करना चाहते हो तो इसके लिए स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप और कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इजी हमसे सॉल्व असाइनमेंट्स की हैंड रिटन हार्ड कॉपी परचेज कर सकते हैं। और आप इसके अलावा हमसे एग्ज़ाम के नोट्स, गैस पेपर और हेल्प बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल एग्ज़ाम्स हेल्प। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।